हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ इमोटी बाइट्स। नहीं, आज मैं करने वाली हूँ इनका रिव्यू। ये देखिए, ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। मैं अभी इनको आपको खोल के दिखाऊंगी, इसका पूरा रिव्यू करूंगी। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक पे सभी इमोजीज यूज़ करते हैं, तो ये सभी को बड़ी पसंद होती हैं। तो मकेन ने ये इसका नया इमोटी बाइट ही निकाल दिया है। ये देखिए, ये मकेन के न्यू इमोटी बाइट्स आए हैं। इसकी प्राइस है 135। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसकी शेल्फ लाइफ है 6 महीने की। और ये फ्रोज़न है, इसे हम डीप फ्राई करेंगे अभी। इसकी शेप्स बहुत अच्छी हैं, ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इसका पैकेट कट करके हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रोज़न फूड का यही फ़ायदा होता है कि इसे आप स्टोर करके रख लीजिए और कभी भी फ्राई करके, और स्माइलीज या इमोजीज हमारी एकदम रेडी हो जाती हैं। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी शेप्स हैं इसकी। ये कैट वाली शेप तो बहुत ही प्यारी लग रही है, ये देखिए। और जो सबसे अच्छी लग रही है वो है ये हार्ट शेप की। कितना क्यूट सा लग रहा है ये। इसे फ्राई करने के लिए हमें जो ऑयल है एकदम हाई टेम्परेचर पर लेना है, क्योंकि ये फ्रोज़न होते हैं। इसको डालते ही ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर ऑयल थोड़ा भी ठंडा होगा तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और इसमें सारा ऑयल भर जाएगा। इसे हम अच्छे से अलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, ये फ्राई भी हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये जो घंटे का बटन है इसे ज़रूर प्रेस करें। हमारे सुपर क्रिस्पी इमोजीज एकदम रेडी हैं। ये देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इसे आप घर पर भी आलू को बॉईल करके बना सकते हैं। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।